लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। उत्तर भारत में दो भयंकर आंधी आने के बाद अब अरब सागर में चक्रवात सागर का निर्माण हो रहा है। इससे समंदर में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। यह भारतीय समुद्र क्षेत्र में बनने वाला इस मौसम का पहला चक्रवात है। मौसम एजेंसी स्काई वेदर ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि मौसम विशेषज्ञों ने साफ किया है कि पश्चिमी भारतीय तटों पर इसके असर की कोई आशंका नहीं है। चक्रवात सागर की स्थिति बृहस्पतिवार को यमन के पूर्वी उत्तर पूर्वी तट से करीब 400 किलोमीटर दूर अदन की खाड़ी के ऊपर थी। यह क्षेत्र सोकोट्रा द्वीप के पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी तट से 560 किलोमीटर दूर है।